गौतम कॉलेज में चल रहे यूथ फेस्टिवल ग्रुप चार का समापन भी आगाज की तरह शानदार रहा। चार दिन तक चले युवा समारोह में एकांकी मूक अभिनेव स्वांग का मंथन किया गया। युवा कलाकारों ने अपनी कला व प्रतिभा का खूब प्रदर्शन किया। समापन समारोह में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ. सिकंदर कुमार ने शिरकत की। अतिथि महोदय ने प्रथम द्वितीय व तीसरे स्थान पर रहे छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। गौतम कॉलेज में चल रहे युवा समारोह ग्रुप का समापन भी आगाज की तरह शानदार रहा। चार दिन तक चले युवा समारोह में एकांकी प्रशासन मुख अभिनेव स्वांग का मंथन भी किया गया। युवा कलाकारों ने अपनी कला व अपनी प्रतिभा का खूब प्रदर्शन किया। समापन समारोह में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ. सिकंदर कुमार मुख्य अतिथि थे। गौतम महाविद्यालय के सचिव डॉ. रजनीश गौतम ने मुख्य अतिथि को शॉल टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आए हुए अन्य अतिथि गणों को भी टोपी पहनाकर सम्मानित किया। डॉ. रजनीश गौतम ने उपकुलपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय डॉ. सिकंदर कुमार का स्वागत किया व इतना बड़ा कार्यक्रम देने के लिए उनका धन्यवाद भी किया। उन्होंने हम पर विश्वास जताते हुए इतने बड़े कार्यक्रम का भार हम पर सौंपा है। Years of teaching and 30 years of research experience in Himachal Pradesh University. बिल्कुल, ये समापन की तरफ है। सिर्फ तीन चार कॉलेजेस के स्किट्स बचे हैं जो आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तब उसके बाद थोड़ा सा जो हमारे कंटीजेंट इंचार्जेस हैं उनको सम्मानित करवाएंगे आपसे, और जो रिजल्ट्स हमारे ऑनरेबल जजेस जो चार दिन से यहाँ बैठे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। इन्होंने बिना ऑनरेबल वाइस चांसलर हमें इसके लिए बहुत बहुत आभारी मिलता। मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में गौतम कॉलेज के प्रबंधन को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी। वो युवा समारोह के सफल आयोजन के लिए प्रशंसा की। उन्होंने नौजवान पीढ़ी को नशे की ओर न जाने व उनकी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करने का आह्वान किया। वो भ्रष्टाचार व सामाजिक भेदभाव को दूर करने को भी कहा। इससे पहले हास्य नाटिकाओं का मंथन किया। छात्रों ने सामाजिक समस्याओं को उजागर किया। वो सभाकार में उपस्थित दर्शकों को हंसाकर लूटपोट भी किया। तत्पश्चात अतिथि महोदय ने प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। स्वांग में प्रथम जीएस डलियारा कॉलेज, द्वितीय स्थान पर चौड़ा मैदान शिमला व तृतीय स्थान पर जीसी कुल्लू व सीमा कॉलेज रहा। मूक अभिनय में प्रथम स्थान पर जीएस मंडी, दूसरे स्थान पर चौड़ा मैदान शिमला व तीसरे स्थान पर जीएस करसोग व धर्मशाला कॉलेज रहे। प्रहसन में प्रथम सीमा कॉलेज, दूसरे स्थान पर संजौली व मंडी कॉलेज रहा। तीसरे स्थान पर गौतम कॉलेज हमीरपुर रहा। एकांकी में प्रथम जीसी बिलासपुर कॉलेज रहा। दूसरे स्थान पर जीसी मंडी व गौतम ग्रुप कॉलेज रहा। तीसरे स्थान पर जीसी रामपुर कॉलेज रहा। सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार जीसी बिलासपुर के ऋषभ को मिला। वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को मंडी कॉलेज प्रियंका को मिला। दिनचर्या होती थी कि सुबह हम उठते थे, घर का काम निपटाकर और गांव से दंगड़ी तक पैदल आकर 6-7 किलोमीटर पैदल आकर फिर वहां बस लेकर फिर कॉलेज में पहुंचते थे। लेकिन जिस तरह से शहर में सुविधाएं मिलती हैं, आज गांव में भी वैसी मिल रही हैं। लेकिन उन कठिनाइयों के बावजूद हमने अपनी जिंदगी में पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ हर क्षेत्र में कार्य किया, और आप लोगों का आशीर्वाद रहा कि आज हमीरपुर जिला के जो इस कॉलेज के छात्र था उसे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करने का मौका मिला। आज पिछले 4 दिन से कई प्रकार की प्रतियोगिताएं यहां पर आयोजित हुई, और जिन बच्चों को सफलता मिली, अवार्ड मिलने वाला है, उनको बहुत बहुत बधाई। और जिनको किसी कारणवश थोड़ी सी कमी के कारण अगर वो पिछड़ गए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले वर्ष पूरी तैयारी के साथ वो इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, और मुझे आसानी विश्वास है कि वो भी कोई ना कोई
नेक्स्ट ईयर जो है वो अवार्ड जीतेंगे। देश में बहुत सी समस्याएं हैं, मुझे तीन जो समस्याएं हैं वो बहुत गंभीर लगती हैं और उसके बारे में हमें सबको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और उनका निवारण कैसे हो सकता है सबको मिलकर उसके बारे में सोचना चाहिए। एक तो जो हमारी नौजवान पीढ़ी जो नशे की ओर बढ़ रही है उसको कैसे रोका जा सकता है और खेलें उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो चाइना के बाद भारत का जनसंख्या के लिहाज से दूसरा नंबर आता है। कार्यक्रम में वक्त तो चले, छोटे ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।